गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मतलब कि मान सामग्री का एक ग्रुप में वर्गीकृत करना, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, मतलब कि अपने आसपास की चीजें। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. मतलब कि हमारे खाने पीने की चीज़ें और हमारे कपड़ों में बहुत ही प्रकार की वेराइटीज, अलग अलग डिफरेंट चीज़ें होती है। Not just food and clothes, मतलब कि ओनली खुराक और खाने पीने की चीज़ें और कपड़ों में वेराइटी नहीं होती, बहुत ही अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रकार की वेराइटी होती है। There is such a vast variety of objects everywhere. मतलब कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार की वेराइटियाँ होती हैं। वी सी अराउंड अस चेयर, अ बुलेट कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग अटेंसिल्स, यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब कि हम हमारे आसपास चेयर यानी कि कुर्सी, बुलेट कार्ट, साइकिल, कुकिंग एसेंटियल्स, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, बुक्स, किताबें, क्लोथ्स, कपड़े, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर, मतलब कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस, मतलब कि ये जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं वो अलग अलग शेप्स की, अलग अलग आकार की बनी हुई होती है, अलग अलग रंग की होती है और उसके अलग अलग फायदे, अलग अलग उपयोग होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप, मतलब कि आप अपने आसपास देखिए, अपने आसपास अलग अलग प्रकार की राउंड शेप की चीज़ें भी होती हैं, राउंड शेप्स के आकार के वाली चीज़ें भी होती हैं। अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल, मतलब कि हमारे आसपास जो राउंड शेप की चीज़ें होती है उसमें रबर बॉल, फुटबॉल जिससे हम खेलते हैं और ग्लास मार्बल यानी कि ग्लास, ये सभी चीज़ राउंड शेप में हमें देखने को मिलती है। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, मतलब कि इन सभी चीज़ों को हमने देखा वो राउंड शेप में होती है। अवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, ऑरेंजेस एंड अर्थन पिक्चर, मतलब कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑरेंज का मतलब संतरा, एप्पल यानी कि सफरजन, अर्थन पिक्चर मीट मतलब कि मिट्टी का घड़ा। सपोज वी वेर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, मतलब कि जो हम चीज़ें देखते हैं वो एडिबल मतलब कि खाने लायक खाद्य पदार्थ होती है। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल, मतलब कि जो ये आइटम्स हमने देखी है वो हम टेबल में देखेंगे। वी माइट ऑल्सो फाइंड आउट दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, मतलब कि जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक के द्वारा भी बनाई गई होती हैं। बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर, कंटेनर मतलब कि पानी भरने का पात्र ऑर्डर होती है ऐसे, पाइप एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, मतलब कि अलग अलग प्रकार की जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है वो हम अपने आसपास देखते हैं। देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स एंड मटीरियल्स दे आर मेड बाई फ्रॉम। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन मोर मटीरियल्स, दिस मटीरियल्स मैनी बी मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन पेपर, मड और सोइल्स, मतलब कि ये जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं वो प्लास्टिक्स के, मेटल्स के, वुड यानी कि लकड़ा, कॉटन मतलब कि कपड़े का बना हुआ, पेपर यानी कि कागज और सॉइल अलग अलग प्रकार से बना हुआ होता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स किससे बने होते हैं, ये सब आपको देखना है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है
ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स, मतलब कि जो पदार्थ है वो कैसे किससे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया है प्लेट यानी कि थाली। थाली किस 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 के प्रकार के किससे बनी हुई होती है? तो थाली स्टील की होती है, कांच की होती है, प्लास्टिक की होती है, मतलब कि अलग अलग प्रकार की थालियाँ होती है। जब हम होटल में जाते हैं तो एक्रेलिक की थाली होती है, हम घर पे खाते हैं तो स्टील की थाली होती है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की थालियाँ बनाती हैं। पेन, पेन प्लास्टिक का होता है, पेन मेटल का भी होता है। पेंसिल, तो पेंसिल वुड, वुड यानी कि लकड़ी का और प्लास्टिक का, प्लास्टिक का पेंसिल भी होता है। स्कूल बैग, तो स्कूल बैग लेदर, लेदर यानी कि चमड़ा, प्लास्टिक का भी होता है। और क्लोथ, क्लोथ यानी कि कपड़े का बना हुआ भी होता है। यहाँ पे दूसरा टेबल भी दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, मतलब कि अलग अलग प्रकार के पदार्थ जो सेम सेम मटेरियल से बने हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मटेरियल दिया है वुड, तो वुड का क्या क्या बन सकता है? तो वुड का चेयर, टेबल, प्लाउ, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, मतलब कि चेयर यानी कि कुर्सी, टेबल, टेबल मतलब कि हमारे स्कूलों में बेंचेस जो लकड़े का बना हुआ होता है, बुलक कार्ट मतलब कि बैलगाड़ा, इट्स व्हील मतलब कि उसके व्हील, ये सब लकड़े का बना हुआ होता है। पेपर, तो पेपर के बॉक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज एंड कैलेंडर्स, मतलब कि ये सब पेपर का बना हुआ होता है। लेदर, तो लेदर के शूज़, बैग्स और बेल्ट, तो ये सब लेदर का बना हुआ होता है। प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का पॉलीथीन, बॉटल, ये सब प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। कॉटन, तो कॉटन के क्लोथ्स भी बनाए जाते हैं। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, मतलब कि हमने इस टेबल से क्या फाइंड किया है? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे, मतलब कि हमने अलग अलग प्रकार से ग्रुप बनाया और इसमें जाना कि कौन से पदार्थ किस मटेरियल के बने हुए होते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब कि अलग अलग पदार्थ अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो मेड ऑफ मैनी मटेरियल, एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज, मतलब कि हमको ये तय करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे उपयोग आने वाली है। फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीडेड टू नो दैट मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। यहाँ पे एक नया पॉइंट दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज नॉट मेड ऑफ विच अ पेपर पीस ऑफ क्लोथ, मतलब कि आपने ये कभी जानने का ट्राई किया है कि जो टम्बलर होता है ग्लास, पानी भरने का ग्लास, तो वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता? तो आप सोचिए, अगर पानी का ग्लास ये टम्बलर होगा और वो कपड़े का बना हुआ होगा तो उस पर जो पानी होगा वो ठंडी होके नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए कपड़े का नहीं हो सकता, इसलिए वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है जिससे उसमें पानी रख सके, हम उसमें पानी भर सकते हैं। रिकॉल अवर एक्सपेरिमेंट विच अ पीस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर 3। ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, मतलब कि जनरली हम टम्बलर का उपयोग लिक्विड यानी कि प्रवाही पदार्थ को भरने के लिए टम्बलर का उपयोग करते हैं। Therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such materials that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like material for cooking vessels. वी सी दैट, मतलब कि हम बाद में देखते हैं, दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक अ एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, मतलब कि हमें सोचने हैं कि कौन सा पदार्थ किसके लिए उपयोगी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो कपड़े का टम्बलर क्यों नहीं होता है,
कपड़े का टम्बलर होगा तो उसमें से पानी गिर जाएगा, तो इसीलिए टम्बलर प्लास्टिक का होता है। तो किस किस प्रकार की चीज़ों का हमें कैसे उपयोग प्रयोग करना है ये हमें समझना है, कैसे उसका उपयोग होगा। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो प्रॉपर्टीज दी हुई है तो हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है उसका देखाव, वो दिखने में कैसी है, उसका मतलब है अपीयरेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया है इसमें। मटेरियल्स आर यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि ये जो मटेरियल जो पदार्थ होता है वो सबसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग पदार्थ होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं दिखने में। जैसे कि ग्लास है तो ग्लास अलग राउंड शेप में होता है, जो थाली है वो भी अलग दिखती है, थाली स्टील की हो तो भी अलग दिखती है, कांच की हो तो भी अलग दिखती है, प्लास्टिक की थाली हो तो वो भी अलग दिखती है। वैसे ही अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं उसका अपीयरेंस अलग अलग होता है। वुड्स लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, मतलब कि ये जो वुड मतलब लकड़ा होता है वो आयरन यानी कि लोहा, तो लोहे से लकड़ा अलग दिखता है, तो इसका अपीयरेंस भी अलग होगा। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम, मतलब कि लोहा एल्यूमिनियम और कॉपर से लोहा अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन द वुड, मतलब कि ये जो आयरन यानी कि लोहा कॉपर और एल्यूमिनियम वुड यानी कि लकड़े से अलग दिखता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो आपको पढ़ के डिस्कस करना है और उसके बारे में जानना है। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टीज दी हुई है हार्डनेस मतलब कि कठोरता। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है इसमें। वेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड सम ऑफ दे मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस, मतलब कि आप कोई चीज़ लेते हैं और उसे कंप्रेस मतलब कि उस पर दबाव डालना, अगर आप किस चीज़ पर दबाव डालते हैं तो वो हार्ड होती है, जैसे कि वो नहीं दब सकती तो उसे हार्डनेस बोलते हैं, वो इजीली नहीं कंप्रेस हो पाती हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई स्क्रैच विथ इट, मतलब कि आप मेटल के कोई की लीजिए और ट्राई कीजिए कि ये कंप्रेस हो पा रही है, तो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो मेटल की बनी हुई है। अगर आप कोई रबर बॉल या कोई भी कुछ लेंगे तो वो आपको कंप्रेस करना है और देखना है कि वो होती है या नहीं होती है, तो वो इजीली कंप्रेस हो जाएगी, तो वो हार्ड नहीं है। द सर्फेस ऑफ पीस ऑफ वुड एल्यूमिनियम एंड पीस ऑफ स्टोन अ नेल कैंडल चॉक एनी अदर मटीरियल और ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपको अलग अलग प्रकार के पदार्थ अलग अलग प्रकार की चीज़ें लेनी और देखनी है कि वो कंप्रेस हो पा रही है। तो यहाँ पे देखिए वुड यानी कि लकड़ा, एल्यूमिनियम पीस ऑफ स्टोन मतलब कि पत्थर के अलग अलग प्रकार के स्टोन्स देखने हैं, अलग अलग आकार के स्टोन्स आपको लेने हैं और देखने हैं। नेल यानी कि नाखून, कैंडल मतलब कि मोम, चौक तो हमारे स्कूल में जो चौक होता है जिससे हम लिखते हैं, एनी अदर मटेरियल मतलब कि और अलग अलग प्रकार के मटेरियल अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमको देखनी है और फिर उसको कंप्रेस करना है, तो फिर आप देखिए कि उसका कंप्रेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो वो हार्ड होती है। यू कैन ईजीली स्क्रैच सम मटेरियल, आप अलग उस दूसरी चीज़ों को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। वाई सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली, मतलब कि और अलग अलग प्रकार की जो होती है वो इजीली स्क्रैच नहीं हो पाती है क्योंकि वो हार्ड होती है। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, मतलब कि जो इजीली स्क्रैच हो पाती है तो वो सॉफ्ट कहलाती है, जिस पे हम दबाव डालते हैं और वो इजीली दब जाती है उसको सॉफ्ट बोलते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कोल्ड हार्ड, मतलब कि ये जो कंप्रेस का नहीं हो पाता है उस पे हम दबाव डालते हैं फिर भी वो नहीं दब सकती है तो उसको हार्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल
कॉटन और स्पॉन्ज, मतलब कि ये जो कॉटन होता है, जो स्पॉन्ज होता है, तो इस पर हम कंप्रेस करेंगे, उस पर हम स्क्रैच करेंगे तो फिर वो दब जाएगा, तो ये सॉफ्ट कहलाता है। और वायर आयरन इज हार्ड, मतलब कि ये जो लोहा है वो हार्ड है। इन अपीरियंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, लस्टर यानी कि चमक, कोई पदार्थ में चमकना है, जैसे कि हीरा, तो हीरा कैसा चमकदार होता है ना, वैसे ही लस्टर, लस्टर यानी कि चमकदार पदार्थ। हार्डनेस मतलब कि कठोरता, बी रफ और स्मूथ, मतलब कि रफ, रफ यानी कि हरबज, और स्मूथ मतलब कि एकदम स्मूथ होता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब ऑफ द अपीरियंस ऑफ अ मटेरियल। यहाँ पे सॉल्यूबल और इनश्योर सॉल्यूबल दिया हुआ है। सॉल्यूबल का मतलब है किसी पदार्थ में घुल जाना, जैसे कि हम पानी में चीनी डालते हैं, जब हम नींबू का जूस बनाते हैं तो हम उसमें चीनी डालते हैं, तो वो चीनी कैसे हम हिलाने के बाद देखते हैं तो वो पानी में घुल जाती है, तो यहाँ पे उसको सॉल्यूबल बोलते हैं। सॉल्यूबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में घुल जाना, और इनसॉल्यूबल मतलब कि नहीं घुल पाना। तो यहाँ पे देखिए हमको एक पतीला दिया हुआ है और इसमें कुछ ना उसमें फिलअप किया है, जो पानी में डाला है जैसे कि चीनी है, नमक है, वो सब पानी में घुल जाएगा, और अलग अलग प्रकार के बड़े स्टोन होते हैं वो नहीं घुल पाएंगे। एक टेबल भी दिया हुआ है, सब्सटेंस पदार्थ इस डिसअपीयर इन वाटर डजर्ट डज नॉट अप डिसअपीयर, मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और हमें दिख भी नहीं पाते, और अलग पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पानी में हमें ऊपर की तरफ दिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सब्सटेंस दिया हुआ है सॉल्ट, तो सॉल्ट पानी में घुल जाता है और हमें कम्प्लीटली दिखाई भी नहीं देता, मतलब कि ये कम्प्लीटली घुल जाता है पानी में। अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो पानी में घुल तो जाती है लेकिन फिर भी उसके कुछ पार्ट, उसके कुछ कण यहाँ पानी पे तैरने लगते हैं जिससे हम उसको देख सकते हैं। शुगर, शुगर यानी कि चीनी, जैसे हमने पहले ही बात की, हम नींबू शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी प्योरली घुल जाती है, संपूर्ण तरीके से घुल जाती है और हमें देख, हम उसे देख भी नहीं पाते, डिसअपीयर हो सकती हो जाती है। सैंड, सैंड यानी कि रेत, तो रेत पानी में घुल जाती है और हमें दिख भी नहीं पाती। चॉक पाउडर, चॉक पाउडर यानी कि जो चॉक होता है उसका पाउडर, तो नॉट डिसअपियरिंग इन वाटर। सोडस्ट मतलब कि लकड़े का चूरा, उसको लकड़े का चूरा बोलता है, लकड़े का जो पाउडर होता है उसको सोडस्ट बोलते हैं, तो वो भी पानी में घुल जाता है। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर एंड डिजॉल्व इन वाटर, मतलब कि आपने ये जो टेबल दिया गया है, डिसअपियर इन वाटर एंड डज नॉट डिसअपियर, मतलब कि ये जो टेबल हमने देखा उसके बारे में हमने डिस्कस की, तो आपने देखा कि कौन से पदार्थ पानी में डिजॉल्व होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो देखिए ये चॉक पाउडर है तो वो डिजॉल्व मतलब कि डिसअपियर नहीं हुआ है। सोडस्ट मतलब कि लकड़े का पाउडर चूरा, वो भी नहीं हो पाया है। तो आपने देखा कौन कौन से सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व हो गए और कौन से नहीं हुए। अदर सब्सटेंस डो नॉट मिक्स इट विथ वाटर एंड डो नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर स्टीर ऑफ अ लॉन्ग टाइम। दिस सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हमने लास्ट में देखे दो पदार्थ, वो पानी में डिजॉल्व मतलब कि वो घुल नहीं पाए हैं। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग, मतलब कि जो पानी होता है वो बहुत ही बड़ा महत्व का कार्य करता है अपने बॉडी में। बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, डू लिक्विड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, मतलब कि जो प्रवाहित होता है वो पानी में घुल जाता है। यहाँ पर ही हमने क्वेश्चन मार्क हमको दिया है। ये टेबल नंबर 4 दिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, मतलब कि अलग अलग प्रकार के प्रवाहित का पानी में सॉल्युबिलिटी मतलब कि पानी में घुल जाना। तो यहाँ पे लिक्विड दिया है विनेगर, तो क्या विनेगर पानी में इजीली सॉल्युबल हो पाता है, तो हाँ मिक्स इज वेल, मतलब कि हाँ अच्छी तरीके से पानी
विनेगर पानी में घुल जाता है। लेमन जूस, तो हाँ वो भी मिक्सिस वेल, अच्छी तरीके से वो भी घुल जाएगा। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मतलब कि राई का तेल, ऑयल मतलब राई, तो डज नॉट मिक्स वेल, मतलब राई का तेल है वो ऊपर आ जाएगा और पानी है वो नीचे बैठा हुआ होगा, तो मस्टर्ड ऑयल नहीं हो पाएगा। कोकोनट ऑयल, जो भी ऑयल होता है, कोई भी प्रकार का ऑयल हो, ग्राउंडनट ऑयल हो, कॉटन सीड ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, वो ऊपर ही तैरता हुआ होता है। केरोसिन, तो वो भी नहीं होगा। सो वी नोटिस दैट लिक्विड आर कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, मतलब कि जो प्रवाहित होता है, हमने यहाँ पे देखा, जो प्रवाहित होता है वो पानी में कम्प्लीटली मतलब कि संपूर्णता से मिक्स वाटर मतलब कि पानी में घुल जाता है। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर, फॉर्म्स फॉर्म ऑफ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड ऑफ सम टाइम, मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो दवाई होते हैं वो नहीं भी हो पाते हैं। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट, वाटर यूजुअली हैज सम क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हैज डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट वेयर इन वाटर, मतलब कि एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि प्राणी, एंड प्लांट्स, प्लांट्स यानी कि हमारे आसपास जो पेड़ है, पौधे हैं, ये प्लांट्स, उसके लिए ऑक्सीजन, मतलब कि ये भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन और पानी, ये दोनों ही बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे एक नया टॉपिक दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, मतलब कि अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट, अलग प्रकार के जो पदार्थ हैं तो वो पानी में तैर सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है। व्हाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5 सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डू नॉट मिक्स विथ वाटर, मतलब ये अलग अलग मटेरियल हमने देखे जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि ऑयल है वो पानी में मिक्स नहीं होता है। अदर्स मे हैव सम to the bottom of tumbler, like we notice many example of object that float in water in sink, dried leaf fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into pond, मतलब कि पॉन्ड यानी कि तालाब, आपको तालाब में एक स्टोन डालना है और देखना है कि वो पानी में बैठ जाता है कि ऊपर तैरता है। ड्रॉप्स ऑफ हनी that you let fall into a glass of water, that happens to all of these. Bojo would like you to give him a 5 example each of object that float and thus that things sink in a water. What about testing these same materials to see if they are float and sink in other liquid like or oil? ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है आर पार देख पाना, जैसे कि कांच का ग्लास होता है तो आप देख सकते हैं, तो कांच का ग्लास है, ट्रांसपेरेंसी होता है जिससे हम आर पार की चीज़ें देख सकते हैं। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, मतलब कि और अलग चीज़ें होती हैं जिसके आस आर पार हम नहीं देख पाते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं कहलाती है। वाई डिड यू चूज दस प्लेस, वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ग्लास विंडोज, ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, मतलब कि आपका आपने अलग अलग पदार्थ देखा हुआ है जो आर पार ट्रांसपेरेंसी होता है, जैसे कि हम स्टील के पदार्थ से देखना चाहेंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाएगा, हम उसके आर पार नहीं देख पा सकते। दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, मतलब कि जो पदार्थ हम उसके आर पार देख पाते हैं, हम उसके आर पार देख सकते हैं, तो उस सब्सटेंस मतलब कि हम उस पदार्थ को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट मतलब कि आर पार देख पाना,
उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मतलब कि ये ग्लास है, पानी है, एयर यानी कि हवा, सम प्लास्टिक्स मतलब कि अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक, तो वो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है किसके, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। शॉपकीपर यूजुअली प्रिफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल, मतलब कि अलग खाने लायक चीज़ें, तो वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं जिससे जो कस्टमर है वो उसको देख सकते हैं और इजीली परचेस कर सकते हैं। सो दैट बायर कैन इजीली सी दिस आइटम, हमने बोला ना यहाँ पे कि जो भी बायर मतलब कि जो भी खरीदता है चीज़ें तो वो इजीली देख सकता है और उसे परचेस करता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स टू विच यू आर नॉट एबल टू सी, मतलब कि जो अलग अलग होते हैं वो आप नहीं देख पाते हैं, तो वो अलग मटेरियल में अदर सब्सटेंस में रखे हुए होते हैं जिससे हम उस पर उसको ट्रांसपेरेंटली नहीं देख पाते हैं। द मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, इस मटेरियल को बोलते हैं ओपेक। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्ड बॉक्स, अ कार्टन और मेटल कंटेनर। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर ऑल एग्जांपल ऑफ ओपेक मटेरियल। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑफ ऑल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट।